वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने जिला कांगड़ा में कोरोना के लगातार बढ़ते ग्राफ को देखते हुए नूरपुर क्षेत्र के मलकवाल में उनके परिवार द्वारा चलाए जा रहे बीबीएम नर्सिंग इंस्टीट्यूट को कोविड केयर सेंटर में तब्दील करने की पेशकश की है। पठानिया ने उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति को भेजे एक पत्र में कहा है कि कॉलेज बिल्डिंग में 100 बेड लगाकर कोविड मरीजों को रखने की व्यवस्था की जा सकती है और इसके साथ ही कॉलेज की ओर से मरीजों की देखरेख के लिए 50% नर्सेस की भी निशुल्क सेवा उपलब्ध करवाने की पेशकश की है। जिला प्रशासन एवं सीएमओ कांगड़ा कॉलेज परिसर को कोविड केयर सेंटर बनाने हेतु जरूरी व्यवस्था जुटाने के लिए इंस्टीट्यूट का निरीक्षण कर सकते हैं। मित्रों, कोविड के इस काल में मेरा आप सबको निवेदन है कि हम सब अपने घरों में रहें, अपने आप को आइसोलेट करके रखें, बाहर ना जाएं, पब्लिक से कम मिलें, अपने हाथ धोते रहें, मास्क पहन कर रखें ताकि हम अपने आप को कोविड से बचा सकें। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से एक छोटा सा हमने आज ऑफर अपने नर्सिंग कॉलेज का दिया है डीसी साहब को, राकेश प्रजापति जी को। मैंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि हम अपना नर्सिंग कॉलेज 100 बेड के साथ और 50 ट्रेन नर्सेस के साथ और खाना और सारा स्टे और जो लॉजिंग एंड बोर्डिंग है सारा हम बेयर करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हम सरकार को देंगे। सरकार डॉक्टर्स और ऑक्सीजन जो भी जरूरत पड़े वो उस चीज़ यहाँ पे ला सकते हैं। शहर से दूर है, 10-12 किलोमीटर शहर से दूर है, अकेले में है और एक कोविड का स्थान। और इसके साथ हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं बिल्डिंग्स जिनको हम स्टेट गवर्नमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को एक आध दिन में देने वाले हैं ताकि कोविड सेंटर्स की कमी ना आए, बिस्तरों की कमी ना आए, हिमाचल प्रदेश में गैस की कमी ना आए, हिमाचल प्रदेश के पेशेंट्स को किसी भी किस्म की कोई कमी ना आए। इसके लिए जयराम सरकार हमेशा आपके लिए उपलब्ध है, आपकी सेवा में हाजिर है। बहुत धन्यवाद।